ममता अपने भाई सोनू के साथ गांव में रहती थी। वो बहुत गरीब थी। ममता के माता पिता का देहांत एक दुर्घटना में हो गया था। तब से ममता ने अपने भाई बहन की जिम्मेदारी उठा रखी थी। ममता अपनी माँ की जगह गांव के सरपंच के यहाँ काम करती है। एक दिन, मालिक मेरे भाई की तबीयत खराब है तो एक दो दिन नहीं आ पाऊंगी। तेरा सारा काम कौन करेगा अगर तू नहीं करेगी तो? सरपंच जी, मैं अपनी जगह अपने पड़ोस की कमला को भेज दूंगी। ममता ये कहकर चली जाती है और अपने पड़ोस में रहने वाली कमला को अपनी जगह सरपंच जी के यहाँ काम पर भेज देती है। उसके बाद वो अपने भाई की देखभाल में लग जाती है। दो दिन बाद जब वो वापस काम पर जाती है तो, अब से तुझे काम पर आने की जरूरत नहीं है, मैंने तेरी जगह कमला को ही काम पर रख दिया है। ये सुनकर ममता सरपंच के सामने रोते हुए बोलती है, मालिक मुझे काम से मत निकालो, मेरे भाई का क्या होगा। सरपंच कुछ नहीं सुनता और दरवाजा बंद कर देता है। दुखी होकर ममता घर आती है और सारी बातें अपने भाई को बताती है। दीदी, तुम भी पिताजी की तरह छोले समोसे क्यों नहीं बेचती, हमारे पास उनका ठेला भी रखा है। ममता को आइडिया अच्छा लगता है और अगले दिन वो छोले समोसे बनाकर गांव के सारी सरकारी स्कूल के बाहर बेचने लगती है। तभी वही छोले पूरी बेच रहा लखन कहता है, मेरे छोले पूरी के सामने तेरे छोले समोसे कोई नहीं खाने वाला, समझी। तभी एक बुढ़िया लखन से छोले समोसे मांगती है। ये सुनकर लखन को गुस्सा आ जाता है और वो बुढ़िया को धक्का देकर गिरा देता है। ये देखकर ममता उस बुढ़िया को उठाती है और, माई तुम्हें भूख लगी है ना, तो मेरे छोले समोसे खा लो। बेटी, पर मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनकर ममता मुस्कुरा देती है और बूढ़ी औरत को छोले समोसे देती है। बूढ़ी औरत छोले समोसे खा लेती है। बेटी, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकती, पर तू ये मसाला रख। बूढ़ी औरत मसाला देकर चली जाती है। उस दिन ममता के छोले समोसे नहीं बिकते। वो अपना ठेला लेकर घर चली जाती है और अगले दिन, कल तो कोई भी मेरे ठेले से छोले समोसे नहीं खा रहा था, अगर आज भी ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी। तभी ममता की नजर उस मसाले पर पड़ती है और ममता छोले समोसे में वो मसाला डालती है। उसकी मसाला डालते ही छोले समोसे का रंग बदल जाता है। उसके बाद ममता उसे बेचने निकल पड़ती है। थोड़ी ही देर में छोले समोसे की सुगंध से लोगों की भीड़ लग जाती है। छोले समोसे खाकर ग्राहक बहुत तारीफ करते हुए बोलते हैं, अरे इतने स्वादिष्ट छोले समोसे तो मैंने कभी नहीं खाए। अरे तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ममता के सारे छोले समोसे बिक जाते हैं। ये सब देखकर ममता बहुत खुश हो जाती है और अपना ठेला लेकर घर आ जाती है। वो ये सारी बातें अपने भाई को बताती है और अगले दिन फिर से छोले समोसे बनाती है कि तभी सोनू आ जाता है और, दीदी मुझे भी अपने छोले समोसे खिलाओ जिसकी लोग इतनी तारीफ करते हैं। सोनू छोले समोसे खाता और कहता है, दीदी ये छोले समोसे तो इतने स्वादिष्ट नहीं है। ममता को ये सुनकर अजीब लगता है। उसके बाद वो भी छोले समोसे चक्कर देखती है और उसे भी छोले समोसे स्वादिष्ट नहीं लगते। तभी उसकी नजर उस बूढ़े औरत के द्वारा दी हुई मसाले पर पड़ती है। ममता जल्दी से उस मसाले को छोले समोसे में डाल देती है और फिर से सोनू को खाने को देती है। दीदी लगता है ये जादुई मसाला है जिससे ये छोले समोसे इतने स्वादिष्ट हो गए। ये सुनकर ममता बहुत खुश हो जाती है और अपने जादुई छोले समोसे लेकर बेचने निकल जाती है। थोड़ी ही देर में उसके सारे जादुई छोले समोसे बिक जाते हैं। अब ऐसा रोज होने लगता है। धीरे धीरे ममता की आर्थिक हालत ठीक होने लगती है। अब वो छोले समोसे की दुकान कर लेती है। ममता अपनी दुकान का नाम जादुई छोले समोसे रखती है। ये सब देखकर, मुझे पता करना पड़ेगा कि इसके छोले समोसे में आखिर ऐसा क्या है। अगली सुबह लखन छुपकर देखता है कि ममता छोले बनाकर लाई है और उसमें सोनू ने एक मसाला डाला। उसके मसाला डालते देख ही छोले का रंग बदल गया। उसके बाद सोनू छोले समोसे या आलू में भी वो मसाला डाल देता है और कहता है, दीदी जादुई छोले समोसे तैयार हैं। अच्छा तो ये सब इस मसाले का कमाल है, इसके कारण ही इसके छोले समोसे जादुई बन रहे हैं। ममता अपने जादुई छोले समोसे लेकर अपनी जादुई दुकान चली जाती है और सोनू अपने स्कूल।
तभी लखन उस मसाले को चुरा लेता है और अपने घर जाकर अपने बनाए छोले में वही मसाला डालता है और उसे चखता है तो वो छोले बिल्कुल बेकार हो जाता है। ये सब देखकर छी कितना खराब स्वाद हो गया मेरे छोले का। लगता है ये जादुई मसाला सिर्फ ममता के खाने को ही जादुई बनाता है। एक काम करता हूँ, इसे फेंक देता हूँ, ना रहेगा ये मसाला और ना ममता जादुई छोले समोसे बना पाएगी। इतना कहकर वो उस जादुई मसाले को फेंकने लगता है। उससे बहुत देर हो जाती है मसाला फेंकते फेंकते, पर वो मसाला खत्म ही नहीं होता। उसके पूरे घर में वो मसाला भर जाता है। ये सब देखकर जादुई मसाले, अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। उसके माफी मांगते ही सारा मसाला डिब्बे में वापस आ जाता है। उसके बाद लखन उस जादुई मसाले को वापस ममता के घर रख देता है। ममता इसी तरह उस मसाले की मदद से अपनी जादुई छोले समोसे बेचती रहती है। धीरे धीरे वो कई दुकानें खोल लेती है और गरीबी भूखे लोगों को मुफ्त में अपने जादुई छोले समोसे खिलाती है। इस तरह बड़ी बड़ी खुशी वो अपना छोटा जीवन में जीती जाती है। गुरुनाथ सिंह के घर एक मंगू नाम का बावर्ची काम करता था। वह बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाता था। उसके पकाए हुए भोजन को खाकर सभी उंगलियां चाटते रह जाते थे। सभी पकवान में से सबसे स्वादिष्ट उसकी बिरयानी लगती थी। गुरुनाथ के जितने भी आस पड़ोसी और रिश्तेदार थे वो सभी मंगू के बनाए हुए बिरयानी के दीवाने थे। एक दिन गुरुनाथ के घर कुछ खास मेहमान आने वाले थे। अरे ओ मंगू, जरा इधर तो आना। जी साहब, बोलिए क्या बात है। शाम के वक्त कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। उन्हें बहुत स्वादिष्ट भोजन करवाना है जिससे सभी खुश हो जाए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिरयानी बनाने का काम में तुम लग जाओ। जी साहब, जैसा आप चाहे, मैं अभी से ही तैयारी में जुट जाता हूँ। मंगू बिरयानी बनाने की तैयारी में लग जाता है। शाम के वक्त गुरुनाथ के मेहमान आते हैं। मंगू उन्हें बिरयानी परोसता है। सभी बिरयानी खाकर बिरयानी की बहुत तारीफ करते हैं। अरे ये तो मंगू का कमाल है, इतने स्वादिष्ट भोजन वही बना सकता है। यह सुनकर सभी मंगू को बुलाकर उसकी बहुत तारीफें करते हैं। एक आदमी बोलता है, मैं तो कहता हूँ होटल खोल लो, बहुत ही प्रसिद्ध हो जाओगे तुम। धन्यवाद साहब, आप सभी लोगों को मेरी बनाई बिरयानी पसंद आई, वही मेरे लिए काफी है। फिर कभी मन हो तो कहिएगा, मैं जरूर बना दूंगा। इसी तरह सभी मंगू की बनाई बिरयानी की तारीफें करते थे। अचानक गुरुनाथ को नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिस वजह से वह बहुत परेशान होता है। बहुत ढूंढने पर भी उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। घर के खर्चे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पैसे की बहुत कमी हो गई थी। मंगू गुरुनाथ के घर में काम करके जितने पैसे कमाता था वह अपने घर वालों के पास गांव में भेज देता था। गुरुनाथ के पास पैसों की कमी के कारण वह मंगू को तनख्वाह नहीं दे पा रहा था। मंगू अपने साहब की हालत जानता था, इसीलिए उनसे कुछ कह भी नहीं पा रहा था। एक दिन गुरुनाथ खुद ही मंगू से कहता है। अगले दिन भी उसके ढाबे पर बहुत भीड़ होती है। पूरे दिन वह काम में व्यस्त रहता है और बहुत पैसे कमाता है। इसी तरह मंगू का ढाबा खोले एक हफ्ता ही बीता था। अब तक उसने सारे उधार के पैसे लौटा दिए थे। अगले दिन से जितने भी पैसे कमाने वाला था वह सब उसका मुनाफा होने वाला था। जैसे ही अगले दिन वह ढाबे पर आता है तो देखता है उसके ढाबे के सारे सामान गायब हो चुके हैं। कुर्सी टेबल सब गायब था और उसका चूल्हा जिस पर बिरयानी बनाता था वह भी गायब था। अरे ये अचानक मेरे ढाबे के सारे सामान कहाँ गायब हो गए? क्या यहाँ कोई चोरी हुई है? वह यह सब सोच ही रहा था तभी पड़ोस का एक आदमी वहाँ आता है। ओ भाई मंगू, तेरे दुकान पर तो चोरी हुई है। उन चोरों ने इन दिनों काफी दुकानों में चोरियाँ की है। भाई जी ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँगा, कैसे चलाऊंगा अपना ढाबा। इतना कहकर वह नीचे जमीन पर बैठ जाता है। आज ही तो मुझे मुनाफा होने वाला था और ये सब हो गया। अभी तक जितने पैसे कमाए वो तो लोगों के उधार चुकाने में लग गया। अब कहाँ से लाऊंगा पैसा, मेरे पास तो इतने रुपए भी नहीं है जिससे मैं वापस नई चीजें खरीद पाऊँ और लोगों को बिरयानी खिला सकूँ। सबसे पहले तो मुझे नया चूल्हा लाना होगा, तभी कोई काम हो पाएगा।
यही सोचता सोचता जंगल की तरफ निकल पड़ता है। एक जगह उसे बहुत पुराना सामान फेंका हुआ दिखता है, उसमें एक चूल्हा भी दिखता है। इस चूल्हे को ही लेकर जाता हूँ, देखता हूँ ये काम करता है या नहीं। मंगू उस चूल्हे को लेकर आता है और उसे जलाता है। एक ही बार में वह चूल्हा जल जाता है। वाह, इतना पुराना दिख रहा है फिर भी अभी तक सही है। मंगू सोचता रहता है, अब बर्तन और बिरयानी बनाने का सामान किसी भी तरह लाना होगा। तभी वह पीछे मुड़कर चूल्हे की तरफ देखता है। चूल्हे के ऊपर एक बड़ा सा पतीला चढ़ा हुआ था। अरे अचानक ये पतीला यहाँ कैसे आ गया, मैंने तो इसे यहाँ नहीं रखा था। मंगू देखता है पतीले के बाद उसमें बिरयानी बनाने का कच्चा सामान आ जाता है और थोड़ी ही देर में बिरयानी पकना शुरू हो जाती है और बिरयानी पककर तैयार भी हो जाती है। चूल्हा अपने आप ही बंद हो जाता है। अरे बाप रे, ये तो कोई जादुई बिरयानी चूल्हा दिखाई देता है, खुद ही इसने बिरयानी बना डाली। बिरयानी की महक से वापस से सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मंगू सभी को बिरयानी खिलाता है और शाम तक बहुत पैसे कमाता है। ईश्वर ने चमत्कार कर दिया, आज उनके दिए हुए इस जादुई चूल्हे की वजह से मैं वापस अपना काम शुरू कर पाया हूँ। कई महीनों तक मंगू का ढाबा हर रोज चलता है और अब उसे बहुत अच्छी कमाई होती है। जादुई चूल्हा कुछ ही मिनटों में बिरयानी बनाकर तैयार कर देता था, जिस वजह से मंगू को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक दिन मंगू के ढाबे पर उसके पुराने मालिक गुरुनाथ आते हैं। वाह मंगू, क्या बात है, तू तो बहुत प्रगति कर रहा है। जी मालिक, सब आपकी कृपा है, आइए बैठिए, बिरयानी खिलाता हूँ। मंगू गुरुनाथ को बिरयानी खिलाता है और पूछता है, क्या हुआ साहब, आपको नौकरी मिली या नहीं। हाँ मंगू, अब मेरी नई नौकरी लग गई है। कल हम दूसरे शहर में रहने के लिए रवाना हो रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिलता चला जाऊं। गुरुनाथ मंगू से मिलकर अगले दिन दूसरे शहर जाने के लिए निकल जाता है। मंगू मन लगाकर काम करता है। उस ढाबे के आसपास और जहां ढाबा था वहां का जमीन गुरुनाथ के दोस्त से खरीद लेता है और दिन प्रतिदिन और भी मशहूर हो जाता है। एक बहुत ही बड़ा होटल खोल लेता है। अब वह उस जादुई चूल्हे को बहुत कम ही इस्तेमाल करता था। जब बहुत ज्यादा ऑर्डर मिलता था तभी वह जादुई बिरयानी चूल्हा का इस्तेमाल करता था। मंगू अपने साथ कुछ आदमियों को रख लेता है और बहुत ही सफलतापूर्वक अपने होटल को चलाता है। कमलपुर नामक गांव में पूनम अपनी बेटी रीना के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था और उसकी सास उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसका कोई लड़का नहीं था। पहले तो मेरी बेटी को खा गई, अब क्या मुझे खाने के लिए इस घर में कुंडली मारकर बैठी है। तेरी शक्ल देख देख के तो मेरा वैसे भी दिमाग खराब हो जाता है। क्या हुआ माँ जी, आज आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। गुस्सा ना हूँ तो क्या करूँ, तूने मेरे वंश का नाश कर दिया। मैं समझी नहीं माँ जी। अगर तू एक बेटा जनती तो कम से कम मेरे बेटे का वंश तो चलता। बेटी जनी है तूने, ये तो अपने घर चली जाएगी और बेटे को तो खा ही चुकी है। माँ जी, वो तो आपके बेटे थे, मेरे तो वो सब कुछ ही थे। शीला पूनम को इसी तरह से ताने दे रही थी तभी उसकी बेटी रीना वहाँ आ जाती है जिसको बहुत तेज भूख लग रही थी। मम्मी, मुझको बहुत तेज भूख लगी है, आज स्कूल में शिवानी डोसा लेकर आई थी, मुझे भी डोसा खाना है। डोसा क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा तुझे, मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तुम दोनों का क्या मैं अचार डालूंगी। मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकती, निकल जाओ इस घर से। माँ जी, हम कहाँ जाएंगे, हमें कोने में रहने दो ना माँ जी। शीला उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। दोनों रोती हुई घर से बाहर निकल जाती है। रोते रोते उन्हें एक डोसे की दुकान दिखती है, वहाँ जाकर वो डोसा मांगती है। मेरी बेटी बहुत देर से भूखी है माँ जी, थोड़ा सा कुछ दे दो। मुझे लगता है तुम दुनिया की सताई हुई हो, क्यों ना तुम मेरे डोसे की दुकान पर काम कर लो। हाँ हाँ, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मेरा अपनी बेटी के सिवा कोई भी नहीं है। सास ने घर से निकाल दिया, ना ही घर में ठिकाना है ना ही बाहर, मैं जरूर आपकी दुकान पर काम करूँगी। ठीक है, मैं तुम्हें डोसा बनाना सिखाती हूँ। पूनम उसकी दुकान पर डोसा बनाना सीखती है और उस दुकान को चलाने में उसकी मदद करती है।
कुछ दिन बाद बुढ़िया सारी दुकान उसको सौंपकर भगवान को प्यारी हो जाती है। पूनम और रीना उस दुकान को चलाया करती थी। एक दिन की बात, जब एक भिखारी वहाँ पर उसे भीख मांगने आता है। एक वक्त हमारा भी ऐसा ही था, हमें भी दर दर की ठोकरें खाकर गुजारा करना पड़ रहा था। लो भैया, तुम ये डोसा खा लो। भिखारी वहाँ से डोसा खाकर चला तो जाता है, पर एक डोसे को उसको देते हुए कहता है कि इस डोसे को हमेशा अपने पास रखना। वो ऐसा ही करती है। जब भी वो डोसा पास में होता था तो उन दोनों माँ बेटी को डोसा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अपने आप ही डोसा बनकर तैयार हो जाते थे। माँ, ये डोसा तो चमत्कारी है, इसके होते हुए हमें डोसे की कोई कमी नहीं होगी। जैसा चाहो वैसा डोसा अपने आप बन जाता है, इसे तो हमारी बिक्री और होने लगी है, हर कोई हमारे डोसे को पसंद कर रहा है। हाँ, हमने उस भिखारी की मदद की तो उसने हमें आशीर्वाद के रूप में एक जादुई डोसा दे दिया। इससे अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम सबकी जरूरत को पूरा कर पा रहे हैं। अब पूरे कमलपुर में पूनम के डोसे की चर्चा हो रही थी। हर कोई पूनम के डोसे को खाने के लिए लालायित था। पूनम की दुकान के आगे डोसे खाने वालों की लाइन लगी रहती थी। जब ये बात शिवानी को पता चली तो वो पूनम से मिलने उसके घर आ गई। पूनम, मैंने तुझे घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती की, चल अब घर चल। नहीं माँ जी, मैं यहीं पर रहकर अपना और रीना का गुजारा कर लूँगी। अच्छा ये बता, तुझे इतना अच्छा डोसा बनाना कैसे आया? तो आज तेरी दुकान के आगे लाइन लगी हुई है? दादी माँ, पता है हमारे पास एक जादुई डोसा है जो हमारी हर मुसीबत में सहायता करता है। रीना अपनी दादी माँ को सारी बातें बता देती है। शिवानी उस डोसे को चुराने का इरादा बना लेती है। अच्छा, तो ये राज है इसकी सफलता का। अगर वो डोसा मेरे हाथ लग गया तो मुझे भी गरीबी में दिन काटने की जरूरत ना पड़ेगी, मैं भी अमीर हो जाऊंगी। आज रात यही रुक जाती हूँ और उस डोसे को चुराने की कोशिश करती हूँ। शिवानी वही पूनम के पास रुक जाती है और जब पूनम और रीना सो जाते हैं तो वो उस जादुई डोसे के पास जाती है। अच्छा, तो ये डोसा है जिसने इनकी जिंदगी ही बदल दी, अब इस डोसे को मेरे पास होना होगा। शिवानी जैसे ही डोसे को हाथ लगाती है तो डोसा अपने आप को बहुत ज्यादा गर्म कर लेता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गर्म है, इससे तो मेरा हाथ ही जल गया है। एक काम करती हूँ, इसे कपड़े से पकड़ती हूँ। शिवानी उसे कपड़े से जैसे ही पकड़ने के लिए जाती है तो वो अपने आकार को बहुत बड़ा कर लेता है और शिवानी को अपने अंदर समा लेता है। अरे बचाओ बचाओ, मुझे इस डोसे से बचाओ, इसमें तो मेरा दम ही निकल जाएगा। पूनम, रीना, इधर आओ, मुझे बचाओ इस डोसे से। आवाज सुनकर पूनम और रीना भागी भागी आती है और शिवानी की ऐसी हालत देखकर सब कुछ समझ जाती है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी ये जादुई डोसा चुराने के लिए आई थी जिससे तुम्हारी दुकान ना चले और मैं इसे अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दूं, पर मैं गलत थी, मैं अमीर होना चाहती थी, मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने तो पहले ही तुम दोनों को घर से बेदखल कर दिया था, उसके बाद भी तुमने मुझे रात को रुकने की इजाज़त दी और मैंने तुम्हें धोखा दिया। डोसे, तुम मेरी माँ जी को छोड़ दो, इन्होंने लालच में आकर ऐसा किया है, ये अब ऐसा नहीं करेंगी, कृपा करके इन्हें माफ कर दो। डोसा शिवानी को अपने अंदर से आजाद कर देता है। शिवानी वहाँ से सिर पर पैर रखकर भाग जाती है और पीछे मुड़कर नहीं देखती। इस डोसे ने हमें सब कुछ दिया और हमेशा हमारे साथ ही रहेगा, तो क्यों ना हम इसकी मदद से लोगों की मदद करें। जो लोग दाने दाने के लिए मोहताज रहते हैं, क्यों ना हम इस डोसे से उन लोगों का पेट भरें। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो, जिस तरह से एक बार हमें खाने की जरूरत थी और हमें किसी ने खाना नहीं दिया था, इसी तरह से ऐसे किसी की जिंदगी में दिन ना आए। पूनम और रीना रोज डोसे का भंडारा करके लोगों की मदद करने लगे।